अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हम अभी आ रहे हैं। सुमन जी, आपको कैसे लग रहा है? हम यहाँ कैसे आ गए? सुमन जी, आपने तो फोन किया था। हेलो, आप प्लीज हमारी मदद करिए ना, हम गौशाला में गए। आप जैसी पुलिस पहुंची मैं भी पहुंच गया था, और आपको मैंने वहाँ बेहोश देखा। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं आपको कहाँ लेकर जाऊँ। सो मैं आपको यहाँ ले आया अपने घर। आशा करता हूँ कि आपको बुरा ना लगा। सुमन, बेटा, बेटा, बेटा तुम तो ठीक है ना बेटा? मामा जी, हम बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ। वो तो शिरीष जी बिल्कुल सही समय पर आ गए। शिरीष बाबू, आप हमारे सुमन के लिए वरदान बन के आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे जितना बन पड़ा मैंने किया। वैसे सुमन जी बहुत ही हिम्मती है, बड़े साहस से उन्होंने उस छोटी बच्ची को बचाया। पासा एकदम सही जगह गिरा है, बस इस जांच में सुमनिया फंस जाए। आज दादाजी नहीं आए नाश्ते पे? अरे बड़के बहुआ, जब कोई समस्या गला का हड्डी बन जाए तो का दाना पानी नीचे उतरता है। गए हैं बाबूजी, जो दो परिवारों के बीच झमेला पसरा है ना, उसको समेटने के लिए। मतलब? सुमन का शादी का बात करने गए हैं। तुम्हारा यही दिक्कत था ना कि उसका कोई रखवाला नहीं है। अब जब शादी हो जाएगा तो मिल जाएगा ना उसको अपना रखवाला। बात खत्म। अंशुमन बहुआ, का हुआ? अब कहाँ तो विदा है? अरे अब ई को का दिक्कत है? बाकी का बात का है? अरे ई, अरे वो अपना जीवन सवारे, ई अपना जीवन सवारे। जाने ई कब मन बनाएगा शादी करने का। छड़की, तुम ही कहो ना, कुछ बात कहा का अंशुमन बहुआ ने शादी के बारे में? तुम तो इसका भी मन पढ़ लेती हो ना। दीदी, एक बार सुमन शादी के लिए हाँ कर दे तो अंशुमन की शादी की जिम्मेदारी हमारी। पता नहीं माँ बेटा के मन में क्या चलता है। बाकी वो लड़की मन से मजबूर हो जाए तो इस घर से उसका पिंड छूटे। ये अब क्या कह रहे राय बहादुर साहब? इससे आपके खानदान की परंपरा का क्या होगा? मान जी, परंपराएं जीवन की बेड़ियां नहीं बननी चाहिए। इतना तो आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। सुमन अभी बच्ची है मान जी, उसकी उम्र ही क्या है, पूरा जीवन पड़ा है उसके सामने। कहां विधवा का जीवन जीते हुए यहां वहां भटकती रही। महान जी, अगर सुमन की दोबारा शादी करवा दी जाए
तो सुमन की जिंदगी सवर जाएगी, समाज के मुंह पर ताला भी लग जाएगा और सुमन को सहारा भी मिल जाएगा। नमस्ते राय बहादुर जी। सुमन, दादाजी, सौभाग्यवती भक्त, राय बहादुर जी, नाना जी आप ठीक तो है ना? ठीक हो रहा नाना जी। नाना जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहें। हाँ बोलो बेटा। सुमन के लिए अपने शिरीष बाबू कैसे रहेंगे? क्यों टूट गया ना तुम्हारा भ्रम? भ्रम? ये हमारे प्यार की हकीकत है, जीने की आस है, इसे भ्रम का नाम मत दो। झूठ, सब झूठ। तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया और ना तुम किसी से प्यार करती हो। अपने स्वार्थ के लिए बस तुमने सबका इस्तेमाल किया है सुमन। इस्तेमाल? हमने नहीं। ये तुम क्या बोल रही हो? हमने कभी किसी का इस्तेमाल नहीं किया। तो फिर क्यों उस परिवार को टूट के बिखरने दे रही हो जिसने तुम्हें सब कुछ दिया? माँ का प्यार, अटूट दोस्ती, प्यार का एहसास, उस परिवार के टूटने की क्यों वजह बन रही हो तुम जिसने हमेशा तुम्हें पलकों की छांव में रखा? हमारी हर एक सांस में वो परिवार बसता है, उस परिवार के लिए जी रहे हैं हम, फिर हम ही उस परिवार के टूटने की वजह कैसे है? ये तुम्हारा रूप, ये जो विधवा रूप है ना, पूरे राय बहादुर खानदान के गले का फांस बन गया है। समझ रही हो तुम? अभी भी अच्छा मौका है पूरे परिवार की खुशियां लौटाने का, उनके लिए कुछ करने का। बहुत अच्छा मौका है अंशुमन जी के सारे एहसानों को चुकाने का। उस परिवार की खुशियों के लिए, अंशुमन जी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन नंदन की याद, उसका साथ, जिसके साथ हमने सात जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया, वो तो हमें छोड़ के चला गया। ठीक है, इस जन्म में हमारा साथ छूट गया, लेकिन उसकी यादों की वजह से तो हम जी रहे हैं। हम वो सबको कैसे भुला दें? यही तो स्वार्थ है तुम्हारा सुमन, खुद को जिंदा रखने का स्वार्थ। पूरे झा परिवार को भंवर जाल में डाल दिया है तुमने। कब तक अंशुमन जी को अपने रिश्तों की चक्की में पीसती रहोगे तुम? जब तक तुम अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ जाती, अंशुमन जी की भी जिंदगी रुकी रहेगी।
हम समझाएंगे अंशुमन जी को, हम उन्हें मनाएंगे कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, हम है ना, हम सब समझा देंगे उन्हें। हाँ, और वो तुम्हारी बात मान भी जाएंगे। अरे उस माँ के बारे में तो सोचो जिसने तुम्हें पलकों की छांव में रखा, अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, बेटी का दर्जा दिया, उनके अरमानों का क्या? क्या वो नहीं चाहती कि उनके बेटे का घर बसे, उनका बेटा शादी करे, उनका बेटा अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, जो तुम्हारी वजह से नहीं बढ़ पा रहा? तो अब क्या करें, तुम्हें बताओ अब क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। सुमन, अब बस एक ही रास्ता है कि तुम किसी से शादी कर लो, तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। जब तुम्हारा नाम किसी के नाम के साथ जुड़ जाएगा और वो लोग तुम्हें खुश देखेंगे तो वो अपनी खुशियों में खो जाएंगे। बस सुमन, लौटा दो उनको उनकी खुशियां, कर दो हाँ अपनी शादी के लिए, भर दो हामी, उनकी खुशियां तुम्हारी शादी में है सुमन, हामी भर दो सुमन, राजबंदी दे दो शादी के लिए, हामी भर दो। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते किसी और से शादी, हमारे लिए हमारा सिर्फ नंदन है, हम किसी से शादी नहीं कर सकते, सिर्फ हम नंदन से प्यार करते, नहीं हो पाएगा। सुमन जी, आरती थी, सुमन बाहर नाना जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हमारे शिरीष बाबू की उम्र कुछ ज्यादा नहीं है और उनके दो बच्चे भी हैं। नाना जी, मामा जी, सुमन को खुश रहने के लिए जितने भी संसाधन चाहिए उन सबको पूरा करने में सक्षम है शिरीष जी। आखिर सुमन को क्या चाहिए, एक नाम, एक सहारा, वो तो उसे मिल रहा है ना। फैसला सुमन का होगा। अगर सुमन को लगता है कि शिरीष के साथ शादी करने के बाद सहारा मिल जाएगा तो सहारा सुमन जी को नहीं। सहारा तो मेरे बच्चों को चाहिए मान जी। मुझे पत्नी नहीं, इन बच्चों के लिए एक मां चाहिए, इन्हें ममता भरा आंचल, एक मां के पलकों की छांव, बस यही मिल जाए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। सुमन, हम तुमसे सुनना चाहते हैं बेटा। देखो, जो भी हुआ ये तुम्हारा फैसला हुआ और तुम अपने ऊपर किसी भी किस्म का दबाव महसूस मत करना। इस शादी को स्वीकारना है या नहीं स्वीकारना है ये सिर्फ तुम्हारी मर्जी है। बढ़िया बढ़ के बहुआ, बहुत ही बढ़िया, तुम तो पूरा
सुमन पुराण पढ़ने लग गए। अरे पोथी छपवा लो इसके नाम का, पाठ करना बैठ के। आप क्या चाहते हैं बताइए अंशुमन जी, आप क्या चाहते हैं? अगर इतना ही हिम्मत है ना तो आप दिखाइए हिम्मत, ले जाइए इसको सबके सामने से। हमें अंशुमन जी की खातिर इस रिश्ते को स्वीकारना होगा। हमें स्वीकार है। ये खुशखबरी अभी मैं छोटी माँ को सुना के आती हूँ। हाँ आरती, ठीक है, दो मिनट रुको, लाइन पे रहना बेटा। बाऊजी, झाजी, अंशुमन कहाँ हो गया? आरती का फोन है। आरती, हमने फोन स्पीकर पे किया है, तुम जो कह रही थी फिर से कहो, हम सब सुनना चाहते हैं। जी माँ। छोटी माँ, सुमन ने शादी के लिए हाँ कर दिया है। सुल्तानगंज के बहुत ही अमीर आदमी हैं। शिरीष भारद्वाज जी, सुमन का उनके साथ ही रिश्ता फिक्स होने जा रहा है। सारी बातें हो चुकी है, बस मुहूर्त देखना बाकी है। सुमन है तुम्हारे पास? जी माँ। हमने भी अपना फोन स्पीकर पे कर रखा है। बात कराओ उससे। सुमन, सुमन सुन रही हो ना? जी सुरभि माँ। जो बात आरती कह रही थी वही बात हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। जी सुरभि माँ, आपने शिरीष जी के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी है। बेटा लाइन पे ही रहना। अंशुमन, सुमन ने सबकी खुशियों का ख्याल रखते हुए अपना फैसला ले लिया है। अब तुम बताओ, तुम अपने परिवार की खुशियां कैसे लौटाओगे? अरे कैसे का मतलब, शादी करके और कैसे, यही बात तय हुआ था ना। बोलो अंशुमन, बोलो। तुम अब शादी करने के लिए तैयार हो? मतलब का तुम तानिया बिटिया के साथ शादी करने को तैयार हो? आंटी प्लीज, आप अंशुमन पे कोई प्रेशर मत डालिए। अंशुमन, आप किसी प्रेशर में आके हाँ मत कहिएगा। आप खुद सोच समझ लीजिए, उसके बाद ही फैसला लीजिएगा। मुझे खुशी है कि सुमन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। साहब, मैं तानिया से शादी करने के लिए तैयार हूं।
रहे हो विधाता? मेरी सुमन का ख्याल रखने के लिए। और क्या हुआ अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो? है ना मेरी सुमन का ख्याल रखने के लिए। I'm sure उसे कुछ नहीं होगा। जो टूट गया कहाँ जुड़ता है बेटा? तू जा बेटा, नाना जी आप यहां क्यों आए? आपने हमें बुला लिया होता। बेटा हम जानते हैं दोबारा शादी करने की तुम्हारी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, एक बात याद रखना किसी भी रिश्ते में जुड़ने के लिए मन की मंजूरी बहुत जरूरी होती है बेटा। नाना जी आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। तानिया मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड।